कैसे का शेर आया जब उनका अंतिम विदाई थी ना उनके देह को लेकर हम जा रहे थे मतलब वो पूरी दुनिया 25,000 युवा लेकर जा रहे थे तब एक ही आवाज पूरे 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 गुंजायमान हो रही थी देखो देखो कौन आया जिन शासन का शेर आया सिर्फ शासन हमारा खून का ब्लड मनीष में आपका वो पॉजिटिव हो सकता है मेरा वो पॉजिटिव हो सकता है किसी का बी पॉजिटिव हो सकता है इनके ब्लड ग्रुप का कौन सा था मालूम उनका ब्लड ग्रुप एक ही था शासन पॉजिटिव सिर्फ शासन शासन किसी और कुछ नहीं हमारी लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ भाग रही है और हम एक तिथि दो तिथि लेकर बैठे हैं हमारे शासन के कई श्रावक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं मोहन मैथ्यूज बन रहे हैं मैं जानता हूं मैसूर में पूरा परिवार कन्वर्ट हो गया हमारे साउथ में कई परिवार इस तरह से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन रहे हैं और हम खतर गज तपा गज करेंगे हाँ घर चल रहा हो ना सर ऐसा लगता है जब घर चल रहा हो ना तो फ्लावर पॉट कहाँ रखना उसकी चर्चा नहीं होती है शांति से चर्चा कर लेंगे लेकिन आज तो घर जल रहा है आज शासन जल रहा है और हम तिथि की चर्चा करते हैं हम गज की चर्चा करते हैं शासन का रसिया वो शासन का रसिया होता है मनुष्य सिर्फ शासन का रसिया होता है शासन का रसिया किसी तिथि का रसिया नहीं होता है शासन का रसिया वो किसी गच का रसिया नहीं होता है वो किसी पर्टिकुलर गच का रसिया नहीं होता है बस शासन का रसिया वो ना तिथि का रसिया होता है शासन का रसिया ना थूई का रसिया होता है शासन का रसिया ना गच का रसिया होता है शासन का रसिया वो सिर्फ और सिर्फ शासन का रसिया होता है किसी साधर्मी की आंखों के आंसू देखकर खुद आंसू बहाए ना वो शासन का रसिया होता है मंदिर के पुजारी में भी अपने घर का सदस्य फील करे ना वो शासन का रसिया होता है शासन का रसिया सिर्फ और सिर्फ शासन का रसिया वो किसी पर्टिकुलर गुरु का रसिया नहीं होता है वो गुरु के लिए लड़ता झगड़ता नहीं है एक पर्टिकुलर गुरु के प्रति हमारा रेस्पेक्ट हो सकता है सद्भाव हो सकता है लेकिन उसके लिए दूसरों गुरु के प्रति द्वेष साधु के प्रति द्वेष की दुनिया बने वो दुनिया नहीं होनी चाहिए और ये महात्मा सिर्फ और सिर्फ शासन के लिए जीते थे उनके हिमांशु सूद दादा का लेटर आया मुझे सेवा के लिए दो साधु चाहिए भेजो ना ये इनके इनके इन्होंने अपने दो शिष्य अब हिमांशु सूरी दादा की सेवा में भेजना है मतलब वो सोच समझ के भेजना है क्योंकि वो एम्बिल करने वाले महात्मा खाकी हाथ महात्मा 10 बजे आपको वीआर करवा दे 3 बजे आपको एम्बिल करवा दे और महात्मा को वो एडजस्टमेंट होना चाहिए किसको बोझे तो उन्होंने अपने दो प्रिय शिष्य कौन धर्म रक्षित सुरसू जी महाराजा और हिमवल्लभ सुरसू जी महाराजा को उनकी सेवा में भेजा देखो शासन दिल में था ना तो महात्मा एक तिथि के थे पीछा मिलकर महात्मा दो तिथि के थे और वो एक तिथि के लेकिन अपने शिष्यों को सेवा के लिए भेजा जब शासन दिल में होता है तो सिर्फ शासन दिखता है और कोई नहीं दिखता है और कोई नहीं दिखता है वो उन्होंने अपने दो शिष्य भर अमावस गई उस अमावस को इनका कालधर्म हो गया सर दो सौ ओली महात्मा की 100 ओली को पूरा करने के लिए 14.5 साल अंदाजन लगते हैं 234 ओली जिनकी पूरी हो चुकी है ऐसे महात्मा आखिरी स्थिति मेरी शादी का पास में थी मैं तो मेरे लिए तो उन्होंने भेज दिया था मुझे एक दिन रात को हमने बात की अगले दिन मुझे संयम स्पर्श का कार्यक्रम करने के लिए गुंटूर कहाँ साउथ में मुझे भेज दिया उन्होंने और ये महात्मा अगले दिन अमावस
जिस दिन भगवान ने का केवल ज्ञान हुआ उस दिन उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, अमावस को त्याग किया। निविनाद हृदय में थे शायद पानी पूरी के शौकीन, पानी पूरी स्पेसिफिक उसी की पानी पूरी खाना। श्रेयस टॉकीज उनके जो नजदीक में श्रेयस टॉकीज था उसका फर्स्ट शो फर्स्ट डे कैसे भी हालत में देखना ऐसी दुनिया। घर में भी पानी पूरी बनती तो वो अपना मसाला खुद तैयार करते थे, सब कुछ नहीं, किसी का हाथ का पसंद नहीं, इतना टेस्ट टेस्ट जिनको संसार में रहते समय था। और दीक्षा ली और जो दीक्षा लेकर ऐसी स्थिति बनाई, कहते चंद्रशेखर महाराजा उनके गुरु महाराज एक बार उनके पास में आ गए थे, नीचे बैठ गए थे उनके पास, अपना पात्रा खोला कि तू तेरे पात्रे में से कुछ चावल के दाने मेरे पात्रे में डाल, तेरा गुरु नौखात सी करता है, चाय के बिना नहीं चल सकता है, तो उसमें से कुछ दाने डाल तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। इनके सामने उनके गुरु सुदामा बनकर, जो कभी कृष्णा थे वो सुदामा बनकर पात्रा फैलाने वाले, ये क्या तपस्या का उन्होंने कितना क्या जीवन में, जो पानीपुरी की दुनिया, भेलपुरी की दुनिया, सब बस खाने का इतना टेस्टी, पिक्चरों की दुनिया, और जब दीक्षा ली और जो दुनिया उन्होंने जी। सर हिमवल्लभ सुरशो जी महाराज ने ऊपर जीर्णोद्धार का काम संभाला है, तो इन महात्माओं ने जो लोग आते थे ना उन लोगों को गिरनार की पहचान कराने का काम इन्होंने किया। कोई रतलाम से 25 लोग आए कि हमको साहब हम कल यात्रा करने वाले हैं तो हमको गिरनार के बारे में समझाइए। दिन में 5-5 बार भी व्याख्यान देना पड़ा ना अपने गिरनार के लिए, तो दिन में 5-5 बार भी व्याख्यान इन्होंने देकर गिरनार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सर एक परिक्रमा होती है गिरनार की, जैसे पालीतना भी होता है 6 गौ की, वैसे परिक्रमा, तो यहाँ भी परिक्रमा होती है, और वो परिक्रमा 28 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, साल में एक बार होती है, अमावस को, जनवरी या फरवरी की अमावस को छूट मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से रजा मिलती है और वो परिक्रमा होती है, हर साल होती है। अब तो 2000 लोग नहीं, 1500-2000 लोगों की संख्या लास्ट टाइम भी थी, इतने लोग परिक्रमा के दौरान छूटते हैं, लेकिन 8-10-12 साल पहले कोई नहीं जाता था, ये महात्मा गिने चुने 5-7-10 श्रावकों के साथ ये महात्मा प्रदक्षिणा देते थे, 28 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे। ये महात्मा भी परिक्रमा में गए, सभी महात्मा से छुट्टे हो गए, रास्ता भूल गए, 28 किलोमीटर की परिक्रमा जो सवेरे 6:30 बजे शुरू हुई, ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक परिक्रमा पूरी करके सब आ जाते हैं। ये महात्मा रास्ता भूल गए, और रास्ता ऐसा भूले, जंगल है अंदर, भूलते 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 रास्ता मिल ही नहीं रहा है। शाम को 5:30 बजे उपाश्रम आए, 45 किलोमीटर का विहार उनका हो गया, पर आयन बिल करना बाकी है उनको, पानी तक वापरा नहीं है 45 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर का विहार करने के बाद जब पहुंचे सीधा उपाश्रम में जाकर बोले कुछ मत करो मैं दर्शन करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं आयन मिल का मिल जाए, जो भी चना ममरा जो भी मिल जाए वो लेकर आओ, मुझे आयन मिल करना है, क्योंकि 6:30 बजे सूर्यास्त होने वाला है। दर्शन किए, पचकान मारा, आयन मिल जो मिला शाम का आयन मिल किया, पानी वापरा, फिर कहा आज मुझे कोई थकान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 45 किलोमीटर का विहार हो गया, मुझे आराम करना है, कोई डिस्टर्ब मत करना कोई साधु जी साहब, आप प्रतिक्रमण कीजिए, आपका संथारा लगा देते हैं। और प्रतिक्रमण कर रहे महात्मा, संथारा लगा दिया, 7:30-8 बजे महात्मा प्रतिक्रमण करके संथारे पर आराम करने गए, 5 मिनट भी नहीं हुए होगी, उज्जैन से 25-30 लड़कों का ग्रुप गया, वो धर्मरक्षित महाराज साहब कहाँ है, धर्मरक्षित महाराज साहब ने बोला थोड़ा धीरे बोलो, वो आराम कर रहे हैं। नहीं नहीं वो हमको क्या कल गिरनार जाना है ना, तो सवेरे यात्रा करेंगे तो हमको जानकारी नहीं है गिरनार में क्या है, तो वो साहेब के पास बैठते तो साहब ने ये सुन लिया, 45 किलोमीटर की यात्रा के बावजूद भी साहब ने बोला आने दो, बैठाया, 1 घंटा गिरनार के बारे में समझाया, ऐसा ही हुआ। मैं तो आज कहता हूँ अमावस के दिन अंबिका माता प्रदक्षिणा देती है गिरनार की, बताया ना आपको, अमावस के दिन गिरनार के साथ अंबिका देवी, इस अमावस को शायद अंबिका देवी के साथ धर्मरक्षित महाराज साहब ने भी गिरनार की प्रदक्षिणा दी होगी, क्योंकि गिरनार का गिरनार में उनके प्राण बसते थे। सब आखिरी दिन के आखिरी शब्द उनके मेरे साथ थे, गिरनार जाना है, अहमदाबाद में थे, गिरनार जाना है, बस गिरनार जाना है, आज ये महात्मा नहीं है।
पुण्य गिरनार के साथ जो जुड़ता है उसका पुण्य क्या होता है, 10-12 हजार लोग उनके अग्नि संस्कार में शामिल थे, 10-12 हजार लोग। आज ये महात्मा नहीं है, 200 बोली, एक में 10 कम है, कब पूरा करेंगे, ये विचारों की दुनिया बनती है। और ये महात्मा ऐसा जीवन एक बार के लिए जोड़ा महात्मा के लिए। जहां पर भी हो हमारे हमारी उनको श्रद्धांजलि, वो जहां भी रहेंगे उनसे एक ही शब्द मुझे उन्होंने 10 दिन पहले जब उनका मरण से 10 दिन पहले उन्होंने शब्द कादरण से 10 दिन पहले शब्द कहे थे कि सुरेश भाई अगर भगवान ज्यादा जिंदगी देंगे तो शासन की सेवा करेंगे। और भगवान को लगता है कि इस शरीर से ज्यादा किसी और शरीर से शासन की सेवा करनी होगी तो भगवान इस शरीर को ले लेंगे और नया शरीर धारण करेंगे और वहां पर भी एक ही काम करने आए हैं, संयम लेकर शासन की सेवा करनी है, संयम लेकर शासन की सेवा करनी है। धर्म रक्षित हेम वल्लभ मुनिरा बंधु ही मांशु सुरी धर्म रक्षित हेम वल्लभ सुरीराज सौ चालो जय गिरनार जय जय गर्व गिरनार जय जय गर्व गिरनार जय जय रक्त रक्त मवे संचार जय जय गर्व गिरनार वंदन 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 गिरनार तने वंदन 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 निमना अगली 24 से के 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ आने वाले हैं गिरनार में। देशना होगी, समावसरण लगेगा, सब एक एक, एक स्वप्न की दुनिया है, इमेजिनेशन की दुनिया है, सोच की दुनिया है। शायद ऐसा होगा अगली 24 में कोई तीर्थंकर भगवान देशना दे रहे होंगे और देशना में ये शब्द उनके होंगे कि पिछली 24 में महावीर प्रभु के शासन काल में एक एक ऐसी आत्मा हुई थी जिनका नाम हेमवल्लभ महाराज थे और उन्होंने जो गिरनार की सेवा की वो अद्भुत सेवा तीर्थंकर परमात्मा के मुखा से मुख से निकले ऐसा किसी ने जीवन जिया है तो ये हेमवल्लभ महाराज है। हेमवल्लभ महाराज क्या जीवन जिया, दीक्षा ली तब तक चैत्य वंदन के सूत्र भी नहीं आते थे, दीक्षा ली तब चैत्य वंदन के सूत्र भी नहीं आते थे। चंद्रशेखर महाराज साहब के पास गए दीक्षा लेंगे, चंद्रशेखर महाराज साहब बोले तू करेगा क्या, तुझे तो चैत्य वंदन का सूत्र भी नहीं आएगा। साहब और तो कुछ नहीं, आपके घड़े उठाऊंगा, आपके व्याख्यान सुनूंगा, जिंदगी पूरी कर दूंगा। गुरु के प्रति दीक्षा लेने का कारण व्याख्यान और उनकी सेवा, और एक साल भी नहीं हुआ गुरु ने उनको किसी और की सेवा के लिए भेज दे, बहुत मुश्किल है। जिसके प्रेम में पागल बनकर आपने दीक्षा ली और वही आपको बोल दे कि आपको मेरी इच्छा है कि आप किसी और की सेवा में जाओ, आसान नहीं है, लेकिन शायद आपकी इच्छा है। और उनके गुरु ने एक शब्द बोलकर भेजा था, आगे से उनके पास जितने दिन रहेंगे उनको गुरु की तरह मानकर उनकी सेवा करना। और हिमांशु सिंह दादा को उन्होंने जिंदगी भर गुरु की तरह मानकर उनकी सेवा की, कोई भी तिथि का भेद न लेकर जो हिमांशु सूरी दादा बोलते थे वो आराधना कर लेते थे। और ये हिमांशु महाराज सर क्या क्या जीवन जिया, क्या जीवन जिया है। एक रात हिमांशु सूरी दादा के जीवन की समाप्ति के कुछ दिन पहले की रात थी, सभी लोग बैठे हुए, ट्रस्टी बैठे हुए, महात्मा बैठे हुए, हिमांशु महाराज साहब बैठे हुए और हिमांशु
दादा ने बात करना शुरू किया कि जिंदगी भर गिरनार की मशाल लेकर भागता रहा, गिरनार। अब शरीर थक चुका है, अब जीवन के आखिरी पलों से गुजर रहा हूं, ये मशाल मैं किसी और को देना चाहता हूँ। हिमबल्लभ नरसिंह को खड़ा किया, इधर आओ, ये मशाल आगे से तुमको संभालनी है। जी साहब, मेरे शिष्यों को यहाँ भेज देना। जी साहब, ऊपर गिरना का जीर्णोद्वार का काम बाकी है, इसको ऐसे ऐसे करना। जी साहब, और अटक रहे महात्मा साहब, बोलिए और कुछ बोलना तो है साहब, आपको तो आज्ञा देनी होती है, आपको इतना सोचना नहीं चाहिए, बोलिए आपकी और कोई इच्छा हो तो। हिमबल्लभ, एक इच्छा है, दो कारण है उस इच्छा के पीछे। एक, गिरनार का अभ्युदय हो जाए, गिरनार लोगों की नजर में आ जाए, गिरनार लोगों की चाहना का विषय बने, गिरनार लोगों का प्रेम का विषय बने, उसके लिए। और दूसरा, श्री संग एक हो जाए, श्री संग एक हो जाए, वो दूसरा कारण। इन दो कारणों के लिए हिमबल्लभ, एक इच्छा है, तू जिंदगी भर के लिए आंबिल का पचखान ग्रहण करेगा। और छोटी उम्र है, 29-30 साल की उम्र है, जिंदगी पूरी बाकी है। साहब आप एक काम कीजिए, 500 आंबिल का बचकान दे दीजिए सलग्न, आप 1000 आज का आंबिल का बचकान दीजिए, लेकिन साहब जिंदगी भर का आंबिल मत कीजिए। नहीं नहीं साहब, हिमबल्लभ महाराज ने कहा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मेरे और मेरे गुरु का विषय हम दोनों तक रहने दीजिए, सबको बैठा है। साहब, एक भीष्म जो महाभारत में था, आज की दुनिया उसको याद रखती है, उस भीष्म को। कई भी प्रतिज्ञा होती है, भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से उसको बात करते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। ये इस काल का भीष्म है, इस काल का भीष्म, इस काल का भीष्म है। शायद ताकत नहीं है कि जिंदगी भर के लिए हैंडल कर सको, नहीं है ताकत शायद। अभिग्रह तो इस प्रतिज्ञा को जीवन पर पाल पाओ, ऐसी स्थिति में नहीं हो। एक काम करना साहब, आप देवलोक में जा रहे हो ना, वहां से आशीर्वाद देना, वहां से आशीर्वाद देना। आज हिमबल्लभ ये प्रतिज्ञा करता है, जब तक श्वास रहेगी, जब तक प्राण रहेंगे, जब तक ये शरीर रहेगा, आंबिल तब का अभिग्रह मैं धारण करता हूँ। इस काल का भीष्म, इस काल का ये भीष्म है, इस काल का ये भीष्म है। और आंबिल, उनके आंबिल मैं साथ में गोचरी के लिए गया हूँ, रोज यात्रा करना, 3000 से ज्यादा यात्रा गिरनार ने एक यात्रा नहीं किया है, इनकी यात्रा 3000 बार से भी ज्यादा, गिरनार की यात्रा ये कर चुके हैं 3000 बार से भी ज्यादा। रोज ऊपर जाना, ऊपर का काम देखना, जीर्णोद्वार का काम संभालना, 1:30 बजे नीचे आना, वो रबाड़ी बाज, वो भरवाड़ बाज, वो आश्रम में जहाँ लोगों को, गरीबों को देने के लिए खाना बनता है, वो आश्रम में जाकर अपना पात्रा आगे करने का, उनके जाड़े जाड़े रोटले, वो रोटले उनके पात्रे में 4-5 रोटले डाल देने का। साहब दाल तो बहुत बड़ी बात है, उनके शिष्य दाल मिल जाए ना तो उनके लिए दिवाली होती है, उनके शिष्य के सब खुश हो जाते हैं, आज गुरुदेव को दाल मिली है, मिल में खमन ढोकला इडली इडली की दुनिया बना गया, दाल मिलती है तो उनके शिष्य आंखों में आंसू आते हैं, आज खुश क्यों सर, आज हमारे महात्मा को निर्दोष दाल मिली है। और तो रोटली लाकर पानी में डालकर वापस लेने का, नहीं खमन, नहीं खाकरा, नहीं कुछ दुनिया, न बरसात की दुनिया, और ऐसी दुनिया रोज की, 9 दिन की दुनिया नहीं, 9 दिन के बाद तो आपका पारना फिक्स है। उनके पात्रे में, उनके पात्र में है मिट्टी का, मिठाई का टुकड़ा कब आएगा, उनके पात्रे में फ्रूट्स के टुकड़े कब आएंगे, पिज्जा बर्गर की दुनिया लेकर होटलों में नहीं खाने जैसा खाते हैं हम, भगवान की आज्ञा को नीचे कुचल कर, पैरों तले खुच कर अपने टेस्ट को जिंदा रखते हैं हम, इतना तो करे, एक काम करे, ये महात्मा जिंदगी भर का आइडियल करे ना, इतना करे, इतना करे, आज से आइसक्रीम का त्याग। ये महात्मा अपने गिरनार अपने शासन के लिए जिंदगी भर के लिए आंबिल का बचका, वो भी ऐसे द्रव्यों से जो आप सत्व बोधि महाराज साहब तो कहते हैं, हिमबल्लभ महाराज साहब के साथ गोचरी पानी वापरना तो दूर की बात, उनकी गोचरी देख भी नहीं सकते, इतनी नीरस गोचरी होती है उनकी,
ऐसा उनके शब्द होते हैं, हम मैं शायद ऐसी दुनिया नहीं बना पाए, हम जिंदगी भर के लिए आइसक्रीम का पचका नहीं ले, इतना करे आइसक्रीम का त्याग। चलो एक बार हाथ ऊपर करो, सिर्फ आइसक्रीम का त्याग आज से। खूब खूब धन्यवाद, आइसक्रीम का त्याग। सुरेश भाई आइसक्रीम का त्याग, धन्यवाद। सुरेश भाई फिर कुल्फी तो खा सकते हैं ना, वो सांचे वाली आइसक्रीम होती है वो तो वापर सकते ना, वो तो आइसक्रीम में कहां आती है, नेचर की आइसक्रीम तो जल्दी होगी ना सुरेश भाई, नेचर की आइसक्रीम तो। और सुरेश भाई और तो कुछ नहीं, बासुंदी बासुंदी जैसी कुछ हो फ्रिज में रख दी और फिर वो बासुंदी आइसक्रीम बन जाती, वो तो खा सकते है ना। एक छोटा नियम लेना हो ना उसमें भी 10-10 ऑप्शन लगा कर हम नियम लेते हैं। थिएटर का त्याग, मोबाइल में मूवी देख सकते हैं। थिएटर का त्याग, मोबाइल में मूवी देख सकते हैं। इतनी चालबाजी करते हैं हम, और ये महात्मा जिंदगी भर का एंबिल का पचकान लेकर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन महात्मा के लिए। ये महात्मा को इस तरह से भी दर्शन होते हैं, कभी गिरना जाओ ना देवीना दादा के दर्शन तो करना, साथ में इन महात्माओं के भी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में झुक जाना। इस काल में ऐसे साधु साधु जी भगवान जो प्रभु की आज्ञा को जीवन बनाकर जीते ना, वो भगवान से कम नहीं है, वो भगवान से कम नहीं है। यही चिरावला है, यही नेमिनाथ है, अगर भगवान की आज्ञा को के प्रति वफादार रहते हैं, भगवान की आज्ञा के साथ बेवफाई नहीं करते हैं, तो ये महात्मा इस काल में भगवान के समान है। भगवान के साथ उनके सामने झुक जाना और कहना, कभी कभी सच में बोलो ऐसे भी दर्शन करो ना तो हमारी आंखों का सौभाग्य है, सौभाग्य है। हम श्रावक है, हम श्राविका है, हम नहीं कर सकते भगवान की आज्ञा को पैरों तले कुचल कर, नहीं जी सकते हम। एक बार इनके लिए जोरदार करे, चलो आगे के लिए। कुल में पैदा हुए बच्चे भाई, जन्म से स्थानक वासे, प्रतिमा को इस तरह से दर्शन, इस तरह से सद्भाव वाली दुनिया उनकी स्थानकवासी परंपरा के कारण नहीं भी थी। एक बार गिरनार गए, ऐसे नाम हितेश, हितेश भाई नाम, गोरे गांव के रहने वाले, और
एक बार गिरनार गए, गिरनार की हालत देखी, पुजारी लोग बीड़ी पी रहे हैं भंती में, बाहर टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट वाले जो है वो कपल नहीं करने जैसी हरकतें कर रहे हैं, आए डिस्टर्ब हो गए, 5-7-10 दिन हो गए कंफर्टेबल नहीं है। रात को एक बार माँ मम्मी आई, उनकी बोले बेटा क्या हुआ है, जब से तू गिरनार से आया है तो अनकंफर्टेबल रहता है, खाना भी बराबर नहीं लेता है, सो भी नहीं पा रहा है, हुआ क्या? माँ गिरनार जाना है। बेटा 10 दिन पहले तू गिरनार जाकर आया है, वापिस जाना है, जा पत्तल परसों की टिकट ला लेना, जैसे तुझे अनुकूल टिकट ला लेना। माँ इस बार जाने की डेट फिक्स है लेकिन आने की डेट फिक्स नहीं रहेगी, मतलब नहीं, जब तक मेरे गिरनार में पालीसेना जैसे लाइन नहीं लगती है, लाल पास, नीली पास, पीली पास, गुलाबी पास, मां दादा के वहां जैसे भीड़, जैसे शत्रुंजय में लगती है वैसी भीड़ अगर मेरे दादा के वहां रहेगी तो ये बच्चा वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बच्चों। और वो लड़का जो 3,000-3,500 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाला, वो लड़का अपनी पूरी दुनिया समेट कर, वो 24-25 साल का लड़का अपनी पूरी दुनिया समेट कर गिरनार जाता है, वहां 125 स्क्वायर फीट का छोटा सा कमरा उसको मिलता है, अपना हाथ से खाना खुद बनाता है, जिसने जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई है वो लड़का अपने अपने घर में फोन करता है, अपने बड़े भैया की जो वाइफ है उनको फोन करता है, भाभी खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी में क्या डालते हैं, ये डालते हैं, वो खिचड़ी जल जाती थी, वो खिचड़ी गल जाती थी, रोटी बनाते थे तो पाकिस्तान का मैप बनता था, चाइना का मैप बनता था, जल जाती थी, कच्ची रह जाती थी, लेकिन अपने हाथ से वो सब कुछ सहन करके 7 साल तक गिरनार को संभाला है, 7 साल तक। हम भोजन सारा पूछ कर जाते हैं ऊपर, और ये महात्मा ने 7 साल तक गिरनार को संभाला, और जो दुनिया बने 7 साल के बाद, और जो नेमिनाथ से प्रेम करता है उसकी दुनिया में नेमिनाथ किस रूप में प्रवेश करते हैं, संयम के रूप में, 7 साल के बाद। ये सौभाग्यशाली थे, इनकी दीक्षा हुई, पर कहाँ दीक्षा हुई मालूम है, दादा का दरबार है ना, उसके बाहर ही इनकी दीक्षा हुई, रजोरण मिला, सबसे पहले रजोरण लेकर दादा के दरबार में गए और दादा से प्रश्न किया, दादा 7 साल तक तेरे साथ बातें की है, तो पहले के 2-3 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना, कैसे तीर्थ को संभालू, तो तेरे साथ घंटों बातें करता था, तेरे से प्रेम की प्रीत बढ़ी हुई है, तेरा बच्चों संयम के बीच में कैसा लग रहा है, दादा तुझे बता ना कि तेरा बच्चों कैसा लग रहा है, उनका रजोरन एक दिन पहले पूरी रात दादा के खोले में रहा हुआ था और वो ही रजोरन उनको प्रदान किया गया था, क्या प्रेम उनका, क्या प्रेम। आज पूज्य बच्चों, पूज्य हिमशेखर विजय जी महाराज साहब के नाम से बच्चों भाई, पूज्य अभिषेखर सुषमा साहब के शिष्य के रूप में सुंदर संयम की साधना कर रहे हैं, सुंदर संयम की साधना कर रहे हैं। उनका गोरेगांव का आखिरी स्पीच मैंने सुना था, उन्होंने कहा था बच्चों दीक्षा ले रहा है, विदाई का स्पीच होता ना विदाई का, बच्चों दीक्षा ले रहा है, बच्चों के मम्मी पापा को छोड़ना पड़ रहा है, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चों के परिवार को छोड़ना पड़ रहा है, बैठा उस बच्चों को बैठा, बच्चों को परिवार छोड़ना पड़ रहा है, बच्चों को संपत्ति छोड़नी पड़ रही है, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बच्चों को ये सुनने को मिलेगा कभी भविष्य में कि मेरे बच्चों भाई के दीक्षा के बाद गिरनार नीचे आ गया, गिरनार का जो फ्लो था वो कम हो गया, बच्चों जी नहीं पाएगा, बच्चों को जिंदा रखना है तो गिरनार को संभालना, गिरनार को संभालना है, बच्चों की धड़कन को जिंदा रखना है, बच्चों की धड़कन की संभाल कंटिन्यू चलती रहे तो गिरनार को संभालना। वो कहते थे साहब हमेशा है कि मुझे तो जैकपॉट लगा है, जैकपॉट क्या होगा, गिरनार की सेवा का फल मुझे क्या मिलेगा, 24 भगवान आने वाले ना कोई भगवान तो हाथ पकड़ लेगा, पहले भगवान, तीसरे भगवान, सातवें भगवान, कोई ना भगवान तो संभाल लेंगे और मुझे ऐसे ही मोक्ष में लेकर चले जाएंगे। वो कहते थे कि मुझे अगर अगला भाव पशु का है, मेरा पशु का पशु योनि में जाना है तो गिरनार में गाय के रूप में बनाना और मेरे दूध का ही पक्षाल से दादा का पक्षाल हो, अगर मेरी पुष्पों की दुनिया, अगर वनस्पति का है कि मेरा जीवन जाना बाकी है वो दुनिया में जाना पड़े तो गिरनार के पुष्प बनाना और वो पुष्प के रूप में भी दादा के दरबार में मैं चढ़ता रहो, ऐसी सुंदर दुनिया गिरनार के बनाने में। एक बस जोरदार तालियां बच्चू भाई, बच्चू भाई। अनंत आत्मा
आपके आने का एहसास दिला रही है, आप नहीं जाओगे, वो गजपत गुण का पानी, हाँ,
अपनी अपनी उछाल ले लेकर आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आप उसको ऐसे ही ले लोगे? चाहिए साल में एक बार अपने गिरनार, सिर्फ गिरनार में जो भी प्राचीन तीर्थ है, और अपना समय आप शासन को दीजिए। ये जीवन है ना, बच्चे पैदा करने के लिए, उनको पालने के लिए और मर जाने के लिए नहीं मिला है, मर जाने के लिए नहीं मिला है। कुछ ऐसा करना है, कुछ शासन के लिए समय दीजिए। कुछ युवा मिले मुझसे, सूरज भाई क्या काम है बताइए, शासन के लिए हम क्या करें? बच्चू भाई ने ये किया, आज गिरनार में शायद जरूरत नहीं है। कौन सा ऐसा चित्र है जहाँ हम काम कर सके शासन के लिए? आप शासन के लिए समय दीजिए। मनीष भाई जैसे भाई युवा ने आज इन्होंने समय रात से कितना बजे, मुझे लगता है दोनों भाई जो आज आपके सामने पूरी दुनिया बना रहे, रात को 11:30 तक तो मेरे पास बैठे। हाँ प्रतीक भाई और हिमांशु भाई, ये दोनों साथ में बैठे आज सवेरे वापस 6:30-7 मैंने फोन किया, 7:30-7:30 तो यहाँ पर ही थे। शासन के लिए जीना है होता है। कितनी बार मेरी आंखें तकलीफ वाली भी हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा मेरी आंखों से ज्यादा आंखों में शासन दिखा होगा उनको। हाँ तो ये दुनिया बनाई है हमारे युवा सिर्फ इसके लिए नहीं है, हुक्का पार्लर घूमने के लिए, पिक्चरों के लिए, नवरात्रि डांडिया गरबा, हाँ ये सब करने के लिए हमारी दुनिया नहीं है। हम कुछ शासन के लिए करें। ये जब मौत हो ना हमारी, तो हम आनंद के लिए करें। हमने शासन के लिए कुछ किया है, हमने शासन के लिए कुछ किया। चलो एक शासन गीत के साथ इस शासन की आनंद लेकर, एक शासन का गीत लेकर हम इस दुनिया को पूरी करें। एक साल में एक बार यात्रा होगी, सबसे पहला कार्यक्रम पूरा होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, कौन सी ट्रेन गिरनार जाती है और कौन सा टिकट मेले मिल रहा है तो लगेगा। और केमिकल चेंज, हाँ फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज। आज हमारे जो भाविक भाई मुंबई से, मुझे भाविक भाई मुझे बोल रहे कि सुरेश भाई जब से ये कार्यक्रम लिया है, मनीष भाई बोल रहे थे जब से ये कार्यक्रम लिया है ना, सब ये बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही है, कभी टिकट नहीं मिलते, कभी आर्टिस्ट का प्रॉब्लम आता था क्योंकि नवरात्रि चल रही है, आर्टिस्ट मिलने को तैयार नहीं थे, बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो आज सवेरे भी ये लोग सवेरे वापस समय पर पहुंचने वाले थे, वो भी फिक्स नहीं था। ट्रेन रात को 3:30 लेट बता रही है, 2.5 लेट बता रही है, हमको लगा 10:30 तक आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न चल रहा है। भविक भाई ये दुनिया शायद हमें देखने को मिलने का भगवान ने सौभाग्य दिया था, इसलिए शादी दुनिया बहुत सुंदर। एक बार भाविक भाई के लिए जोरदार तालियां, इतना सुंदर संगीत का एक, आपको लगता है सुरेश भाई बोलते हैं और हम भावधारा में रहते हैं इसलिए 1:15 भी हमको खाना याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे संगीत की एक सुंदर दुनिया बनती है, तो एक सुंदर भाव बनते हैं, एक भावधारा बनती है। एक बार भाविक भाई के लिए जोरदार तालियां। किस तरह से रात को ट्रैवलिंग किया है, ट्रेन नहीं मिली तो बस में ट्रैवलिंग किया उन्होंने, और ऐसे बहुत सारी दुनिया आपके लिए, दुनिया बनाने के लिए इन्होंने वो दुनिया भी एग्जिस्ट की। एक बार कीबोर्ड पर जो भाई है उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत पहली बार हमारे साथ में काम बढ़ा है, लेकिन बहुत सुंदर फ्लूट। आज हमारी मिली जुली सरकार है, हमने पहली बार किसी के साथ कोई मिल नहीं रहा था, तो मिली जुली सरकार से हम काम चला रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर। एक बार फ्लूट पर जो भाई है एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे तबले पर जो भाई है सुरेंद्रनगर भावनगर से, कहाँ भावनगर गुजरात, वहां से हमारे यहाँ साथ में, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। पैड पर जो भाई यहाँ पर है उनके लिए भी जोरदार तालियां। माइक में जो भाई बैठे हैं, सच में बहुत सुंदर आपने ये दुनिया, इतनी सुंदरता से मुझे गला कोई आवाज को इतना तकलीफ भी नहीं देने पड़ा, आपने जो दुनिया बनाई आपके खूब खूब धन्यवाद। वीडियोग्राफी वालों ने भी बिना डिस्टर्ब किए अपना पूरा माहौल बना के रखा, खूब खूब धन्यवाद। और खास सच में बोलो धन्यवाद के लाख पात्र तो आप हैं, आप 1:15 है, लेकिन मुझे लगता है 10% लोगों ने अपनी दुनिया यहाँ से गए, 10-15%, बाकी आप लोग यहाँ बैठकर आपके हृदय में जो नेमिना दादा का आज नेमिना दादा का जन्म हुआ है, मैं तो बोलता आज भगवान का जन्म है, नेमिना भगवान का आज जन्म कल्याण है, क्योंकि सबके हृदय में आज नेमिना भगवान बैठे हैं। बस ये दुनिया आज हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उठने के बाद राजू बनकर उठना, बस नेमिना से मिलने की इच्छा, भगवान शासन के लिए कुछ करने की इच्छा। एक भव शासन को दे दो, वो सुभाष चंद्र बोस कहते थे, स्कूल लाइफ में भी सुना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं
जाने दूंगा। शासन हमसे कह रहा है, शासन हमसे कह रहा है तुम एक भाव, एक जन्म दिल से वफा से एक भाव दे दो। शासन हमसे कह रहा है मैं तुम्हें गवो भाव की आजादी दे दूंगा, मैं तुम्हें गवो भाव की आजादी दे दूंगा। ये शासन हमको गवो भाव की आजादी, हमारा जन्म मरण चक्कर, अगर शासन की गोद में बैठ जाओगे ना तो निगोद में जाना नहीं पड़ेगा, शासन की गोद में बैठ जाएंगे। बस ये शासन हमारे हृदय में, मैं तो बोलूं गिरनार की बात में पहले हृदय में शासन, बस शासन की सेवा। चंद्रशेखर आजाद जब देश के लिए लड़ते थे, उनकी पत्नी, उनकी माँ हमेशा कहती थी बेटा तू शादी कर, तू शादी कर, तू शादी कर। वो तंग आ चुके एक दिन, बोले हाँ मुझे शादी करनी है। खुश हो गई माँ, तेरी लड़की ढूंढने का काम पहला करती हूँ, लेकिन देखना शर्त है ऐसी कोई लड़की ढूंढना, मैं अंग्रेजों से लड़ता रहूं, दुश्मनों से लड़ता रहूं, और मेरी गोलियों में वो कारतूस भर भर के देती रहे, कारतूस का बैग लेकर मेरे पीछे घूमती रहे, ऐसी कोई लड़की मिले तो चंद्रशेखर शादी कर देगा। देश को जरूरत है, मैं बच्चे पैदा करूं, देश को जरूरत हो और मैं अपने खुशियों की दुनिया बनाऊं। शासन को आपकी जरूरत है, आज शासन को जरूरत है, कुछ समय शासन के लिए, कुछ संपत्ति शासन के लिए, नाम वाली संपत्ति नहीं, एक तख्ती वाली संपत्ति नहीं, कुछ संपत्ति जहाँ सच में जरूरत। आप मेरे पास आओ सुरेश भाई, ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ नाम नहीं आएगा हमारा, लेकिन एक प्रेमल भाई कपाड़िया, मैं तो नाम जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नाना पोसीना तीर्थ, मैंने बताया 1.5 करोड़ की धर्मशाला बनाई और नाम नहीं लगाया, 1.5 करोड़ की धर्मशाला बनाकर भी नाम नहीं लगाया। कुछ दुनिया ऐसी बनाए, संपत्ति बिना नाम की, समय समय का दान दे लेकिन अपेक्षा नहीं रखे, ऐसी एक दुनिया बनाए। चलो इस शासन की आखिर साध्वी जी भगवान आज हमारे साथ में, 1:20 पर भी साध्वी जी भगवान, बड़े साध्वी जी भगवान बैठे हुए, छोटे साध्वी जी भगवान बैठे हुए, ये कार्यक्रम में इतनी सुंदर माहौल कैसे बना, ये वाइब्रेशन का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय हो जाता है। तो ये पूछे साध्वी जी भगवान, तो श्रमण श्रमणी भगवान है जिन शासन का, जो श्रमण भगवान है, हम कितना भी कर ले हम श्रावक है, हम अपनी, मैंने 5 साल से बिजनेस छोड़कर इस काम में लगाओ, मैं बोलूं फिर भी हम श्रावक है, हमारा 1 पैसा उनका 1 रुपया बराबर है। एक के कारण ये महात्मा जो सुंदर संयम जीवन जीते हैं, और उस सुंदर संयम जीवन के कारण हमारे जीवन में आज सुंदरता है, हम सेफ तरीके से बैठे हुए उसके पीछे कारण ये महात्मा का सुंदर जीवन है। एक बार महात्मा के लिए चलो शासन को याद करते हैं। सर कुछ कहना है तो फिर उसके बाद शासन, कुछ 2-5 मिनट कुछ अनाउंसमेंट कुछ बाकी है तो ऐसा कुछ। चलो अपने शासन को याद करते करते धीरे धीरे अब संगीत का धारा शुरू हो गया, जिनको जाना है खाने पीने के, वहां भीड़ ना हो तो थोड़ी देर बैठ जाना, कुछ लोगों को ऐसे भी 1:30 बज गए 15-20 मिनट और, तो जिनको जाना है वो धीरे धीरे जाएंगे और संगीत के धारा के साथ कुछ सा कुछ अनाउंस कुछ भी। चलो जो संकेश्वर का संघ निकलने वाला है, जो सेंटर कमेटी है, वो विनती करने के लिए आए, एक बार वहीं से खड़े होकर, वहां से खड़े होकर ये विनती कर लीजिए साहब से, एक बार सेंटर कमेटी जो आई है साहब को विनती करने आए हैं, मातृ हृदय साध्वी जी भगवान जो है उनको विनती करने के लिए साहब आप पधारिए, एक बार वहीं पर खड़े होकर विनती कर लीजिए साहब को, आप दूर रहकर भी गुरुदेव एकदम निकट हो। चलो शासन की एक सुंदर दुनिया बनाकर शासन की एक सुंदर बनी दुनिया के साथ, हम इस पर प्रभु की आज्ञा के लिए कुछ भी बोलने में आया हो मन वचन का संचार। पचकन पचकन एक मिनट वहीं रुक जाइए, जहां खड़े हैं वहीं रुक जाइए, पचकन स्टैच्यू। उपवास वाले सभी हाथ जोड़े, सूर्य गए पतटम मच गई दिव्य प्यार वसनम बाणम गई सही अनुतम सगन परिठम जगत मंत्र समर्पित करणम पाणा परसे सार परसे पूरी मुडा मोटा मच गई अनुतम सगन उत्तर बच्चन गांधी सम सहुमेन अनुतम समर्पित करणम पणस लेनो अलन वचन बोलन सस्ते रसे थेनवा भूसी रही एकाशना ब्याशना आंबिल लिवी उगस रे परसे सार परसे मुट्टे से मच गई जो प्यार वसनम बाणम गई सही अनुतम सगन उत्तर समर्पित करणम अमिलम लिवी के पिचके अनुतम सगन उत्तर समर्पित करणम लिवा लेन की तसंसिटणम उकित विगन पुडीचे मुके बैठम लेन अनुतम समर्पित करणम एकासन व्यासन वचके तिवीं पेन वसनम पणम भयवे सनद सन उत्तरण सागर आगरणम औंटन पसारण गुरु उत्थाने परिठ्ठ वणगन उत्तरण समय व्यत्यागरणम
गिरनार समय देना की किताब बाहर मिलेगी, आप जरूर लेकर जाइए। बहुत सुंदर जानकारी गिरनार तीर्थ के बारे में होगी। और गिरनार तीर्थ में किनको सेवा देना है, 3 दिन के लिए 4-4 मेंबर बनाकर, आपकी और से 4 मेंबर बनकर आप गिरनार तीर्थ की सेवा भी दे सकते हो। सहसावन में रुकने को मिलेगा, गिरनार तीर्थ में ऊपर रुकने को मिलेगा और 3 दिन सेवा दे सकते हो। तो आप में से कोई कार्यकर्ता कोई भी 4-4 जनों का ग्रुप बनाकर मनीष भाई को दे सकता है, तो मैं उनका गिरनार तीर्थ में बात करके सेवा के लिए भी लाभ दे सकता है। आप गिरनार के लिए इतना तो कीजिएगा। चलो शासन की दुनिया में हम प्रवेश करके साधारण भक्ति की व्यवस्था गोड़ी पाशना जैन मंदिर में रखी गई है कुचर परिवार की ओर से। सुरेश जी लुनिया अध्यक्ष केयूब सेंटर कमेटी से 2 शब्द बोलना चाहते हैं हमारे साथ के लिए। तो सुरेश जी मेरे आराध्य प्रभु परमात्मा महावीर के चरण में वंदन, दादा नमी के चरण में वंदन, अनंत अभिदान गुरु गौतम स्वामी के चरण में वंदन, लाखों जैनों को अध्ययनों को जैन बनाने वाले चारा दादा गुरुदेव के चरण में वंदन, कत्रगच्छाधिपति आचार्य भगवंत मणिप्रसुर जी महाराज साहब के चरण में वंदन, पर्वतनी महोदय श्री शशि प्रभा जी महाराज साहब एवं वीराजी सभी चारित्र आत्माओं के चरण में वंदन। समय बहुत हो चुका है, आज सभी आपने सुरेश भाई ने गिरनार की भाव यात्रा कराई और उसका आपने अपने भावों से भाव यात्रा की। खतरगच युवा परिषद साधु साधी भगवंतों को वंदना करने के लिए यहाँ बीकानेर आया आज, और युवा परिषद की काफ़ी बातों के बारे में आपसे बात करना था बट समय नहीं, जैसे कि आपने फरमाया है। फिर भी खतरगच युवा परिषद की तरफ से मैं आप खतरगच युवा परिषद बीकानेर शाखा की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि आपने इस भव्य चातुर्मास का आयोजन करवाया और सभी श्री संघ के साथ में मिलकर श्री संघ की आज्ञा से और उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर आपने जो सेवा दी उनकी हम कई केंद्रीय समिति से आपकी बहुत बहुत भूरी अनुमोदना करते हैं। और साहिब जी से भी विनती करते हैं कि खतरगच के गौरवशाली 1000 वर्ष संपूर्ण होने के अवसर पर जो संकेश्वर महातीर्थ से खतर उद्भव स्थली पाटन के लिए संघ निकल रहा है उसमें हम आपको केंद्रीय समिति की तरफ से विनती करने आए हैं कि आपको संघ में पधारना है, निष्ठा प्रदान करने और कयुग का हमारा मार्गदर्शन करके हमारे को आप प्रोत्साहन करेंगे। और संघ के मुख्य लाभार्थी गजी देवी मिश्रीमल जी बोत्रा, वैशाला वाले रतनलाल जी बोत्रा वो भी पधारे हैं आपको विनती करने के लिए हमारे साहब। और संघ सहयोगी के लिए भी 1,11,000 के नखरे हैं उसमें भी आप कई रूप बीकानेर और बीकानेर श्री संघ से मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सबसे ज़्यादा आपको संघ में पैदल संघ में जुड़ना है। खतरगज के 1000 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में जुड़ के गज का गौरव बढ़ाना है, इसमें आपको आगे आना है। और जैसे कि सुरेश भाई ने बोला कि युवाओं को आगे आना चाहिए, मैं आपके जानकारी की बोलता हूँ कि हमारी युवाओं का संगठन ही है जो जन शासन के कार्य के लिए आगे बढ़ा है। हमारी कई परिषद जो पूरे हिंदुस्तान में 82 शाखा है उसके 5,000 मेंबर है और सब जगह जिन शासन के कार्य करती है। हमारे इधर से काफ़ी ज्ञान वाटिकाएँ चलती है विहार व्यवस्था जहाँ पर भी हमारे को सूचना मिलती है, अपने शहर से 50 किलोमीटर 50 सब विहार की व्यवस्था देते हैं, ज्ञान वाटिका देते हैं। और हमारे कयुग की शाखाओं से स्वाध्याय तैयार होकर जहाँ पर गुरु भगवंत नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर हम 8 दिन पर्यूषण महापर्व की क्रियाकरण जाते हैं। इस वर्ष भी गुरुवार श्री 20 जगह हमारे कयुग के साथी सब जगह जाके पर्यूषण महापर्व की क्रिया करा के आए हैं और ज्ञान वाटिकाओं का संचालन करते हैं। पिछले 1 वर्ष में हमारे कयुग द्वारा संचालित ज्ञान वाटिकाओं में से 50 बच्चों ने 2 प्रतिगमन सूत्र कंठस्थ किया और 5 बच्चों ने 5 प्रतिगमन कंठस्थ किया। उनकी बकायदा हमारी एग्जाम होती है और अधिवेशन जो भी धूलिया हुआ उनके बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है कि गच्छ के और जिन शासन के हित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कयुग का सहयोग आपको मिलता रहेगा और इसी के ये मैं युवा शक्ति आगे बढ़े यही हमारी भावना है। और आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन शासन जिन आज्ञा। तब जाके कहे हमने भी तो ये जिन शासन को पाया है, कई जन्मों के संघर्षों से ये पुण्य
प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो दादा से मिच्छा ना करो मिच्छा ना करो मिच्छा ना करो नमोस्तु तस्मै तवो शाश्वत तवो शाश्वत बहुत बीकानेर के इतिहास में तो वर्षों तक आज का ये कार्यक्रम याद रहेगा स्मृति में रहेगा और हम लोग भी बहुत समय से आपको सुनना चाह रहे थे। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुना ही नहीं है। यदि शाम तक भी आप कुछ और बोलते रहें तो यहाँ के वासिंदों को तो ऐसा लग रहा कि शायद हम हटे ही नहीं। सचमुच में देव गुरु धर्म की साक्षात कृपा आप पर बरस रही क्योंकि आज हम लोगों ने जो आपको सुना है निस्संदेह आपका जीवन और आपकी जो प्रतिभा और आपका देव गुरु धर्म पर बरस रहा आपके ऊपर जो आशीर्वाद उससे लग रहा है कि आप भी आने वाले समय में हो सकता है आपकी आत्मा भी तीर्थंकर की आत्मा हो आपकी आत्मा भी किसी चौदह पूर्व धर की आत्मा हो और ये तो निश्चित है कि मोक्ष जो है वो सचमुच में सबको याद रहेंगे। और गिरनार की यात्रा के लिए अभी एक संघ 8 तारीख को प्रस्थान कर रहा है। आज का जो लाभार्थी परिवार था कोचर परिवार वह गिरनार की यात्रा के लिए काफी लोगों को लेकर के जा भी रहे हैं। आज हमारे मध्य अध्यक्ष राजीव जी खजांची कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम जी सेठिया प्रदेशाध्यक्ष पदम सिंह जी चौधरी जयपुर सुरक्षा प्रकोष्ठ और संघ के लाभार्थी परिवार से रतन लाल जी साहब बोथरा मुख्य लाभार्थी पवन जी लालन अहमदाबाद से कमल जी गोलेचा जयपुर से और हुक्मी चंद जी ब्यावर से पधारे हुए हैं। आप सबका बीकानेर संघ की ओर से बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन। कोचर परिवार का सुरेश भाई का भाविक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत अभिमान। ललित जी डाकलिया भी बेंगलोर से पधारे हुए हैं उनका भी संघ की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बोले जिन शासन देव की जय।